चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। अजय देवगन की फिल्म बादशाह शुक्रवार को पूरे भारत में रिलीज हो चुकी है। पहले दिन से अजय देवगन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म को अपने शुरुआती दिन में ही करीब 25-30% की जबरदस्त ओपनिंग मिली है। फिल्म ने पहले दिन करीब 12 करोड़ रुपए की कमाई कर लिया और तो दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 15 करोड़ का कारोबार किया, जो पहले दिन की कमाई से काफी ज्यादा है। फिल्म का कुल कारोबार करीब 28 करोड़ का रहा है। वैसे तो यह बात ट्रेड ने पहले ही कही थी कि बादशाह ने अपनी दूसरे दिन और बेहतर आंकड़े दर्ज कराएगी। इस फिल्म को लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम आपको बताते हैं कि दूसरे दिन 16 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म बादशाह ने शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट को धूल चटा दिया है। जी हाँ, अजय देवगन की फिल्म बादशाह ने शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस पर सीधे लताड़ मार दिया है। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर जब हैरी मेट सेजल ने अपने दूसरे दिन केवल 15 करोड़ का कारोबार किया था। भले ही बादशाह और जब हैरी मेट सेजल दूसरे दिन की कमाई में अंतर बहुत कम है, लेकिन जीत तो जीत होती है। हालांकि इन दोनों फिल्मों के बीच देखने वाले पैकेट यह है कि जहां बादशाह की कमाई पहले दिन बढ़ी है, तो वहीं दूसरे दिन जब सेजल मिट की कमाई घटी थी। बादशाह के पहले दिन दो दिन के आंकड़े में 12 करोड़, उसके बाद 16 करोड़ रही है, जो हैरी मेट सेजल के पहले दिन के आंकड़े से 15 करोड़ रुपए थे। फिल्म बादशाह की कहानी भारत में लगे आपातकालीन के समय की याद दिलाती है, जिसको डायरेक्शन मिलन लुथिया ने बनाया है। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा इमरान हाशमी, ईशा गुप्ता, इलियाना, विद्युत जम्बाल और संजय मिश्रा जैसे मजे हुए कलाकार नजर आ रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन और इमरान हाशमी का डायलॉग बाजी बेहद ज्यादा दर्शकों को पसंद आता है।